hello students welcome to mdc learning standard sybcom subject auditing topic audit working papers now students let us see what is audit working papers last lecture we have seen what is audit notebook so audit working papers refers to the documents that prepared by or used by auditor as a part of their work देखो क्या बोला है यहाँ पे कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो ऑडिटर ऑडिट audit करते वक्त यूज़ करता है या प्रिपेयर करता है ठीक है ताकि उसका ऑडिटिंग का जो काम है वो पूरा प्रॉपरली स्मूथली हो सके दो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड द समरी ऑफ क्लाइंट नेचर ऑफ द बिजनेस बिजनेस प्रोसेस फ्लो ऑडिट प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन ऑप्टेन फ्रॉम द क्लाइंट एज वेल एज ऑडिटिंग टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स कल तो ये सारे तो स्टूडेंट्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर प्रिपेयर करता है एक डॉक्यूमेंट तो जिसमें जो भी क्लाइंट है ऑडिटर का उसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है ठीक है वो कौन सा बिजनेस करता है क्या नेचर है उसका फिर जो प्रोसेस है बिजनेस का उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है ऑडिट का प्रोग्राम ऑडिट का प्रोग्राम मतलब ऑडिट audit का ऑडिटर जो प्रोग्राम जो ऑडिट करेगा वो उसने कैसे प्लान किया है इसका प्रोग्राम कैसे बनाया है ठीक है और कोई भी डॉक्यूमेंट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है प्रीवियस ईयर के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं है ना एग्रीमेंट uh, है कुछ भी है ना कंपनी के जो कंपनी है उसके प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है या फर्नीचर का यू नो फर्नीचर जो है उसका कुछ बिल्स वगैरह है या कोई भी एसेट्स का बिल्स है तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू द ऑडिटिंग है ना जिससे ऑडिटर ऑडिटर कर सकता है उसे हम वर्किंग ऑडिट ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहते हैं ठीक है तो बच्चों फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ऑडिट वर्किंग पेपर्स रिफर्स टू द डॉक्यूमेंट दैट प्रीपेय बाय विच इज़ प्रीपेयर बाय और यूज बाई ऑडिटर एज अ पार्ट ऑफ देयर वर्क है ना यूज बाय ऑडिटर और प्रीपेड बाय द ऑडिटर ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहते हैं वर्किंग पेपर शुड इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन द ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी टू कंडक्ट द ऑडिट एडिक्वेटली एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ऑडिट रिपोर्ट है ना अभी ऑडिट वर्किंग पेपर्स में क्या होना चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ऑडिटर को ऑडिटर रिक्वायर टू डू द ऑडिट एंड इट सपोर्ट्स हिड्स ऑडिट रिपोर्ट है ना जिसके बेसिस पे वो अपना ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर दे सके

Uh, अगर ऑडिटर फर्स्ट अप्रैल 2019 से थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 को ऑडिट कर रहा है तो वो रिलेटेड पर्टिकुलर डेट के पेपर्स होने चाहिए उसके पास ठीक है देन द सब्जेक्ट मैटर किस रिलेटेड वो का पेपर है वो सब्जेक्ट उस पर होना चाहिए फाइल रेफरेंस फाइल रेफरेंस नंबर उसमें होना चाहिए देन द इनिशियल सिग्नेचर ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टाफ हु प्रीपेयर द वर्किंग पेपर एंड द डेट ऑन विच इट वाज प्रिपेयर अगर वो पेपर किसी ने बनाया है तो वो किसने बनाया है उसका वो मेंबर का सिग्नेचर चाहिए इन द केस ऑफ ऑडिट पेपर्स क्रिएटेड बाय द क्लाइंट स्टाफ द डेट ऑफ द डेट द वर्किंग पेपर्स वे रिशिव एंड द इनिशियल्स ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर हु कैरिड आउट द ऑडिट वर्क है ना अगर ऑडिट स्टाफ ने ये पेपर्स बनाए हैं या क्लाइंट के स्टाफ ने ये अगर क्लाइंट के स्टाफ ने ये अगर पेपर्स बनाए हैं तो द डेट है ना द डेट ऑफ द वर्किंग पेपर्स वेर रिसीव्ड ठीक है मतलब ऑडिटर ने कभी ये पेपर्स रिसीव किए हैं क्लाइंट के स्टाफ से उनका इनिशियल करेक्ट उसके बाद द इनिशियल ऑफ द मेंबर ऑफ स्टाफ हु रिव्यूड द वर्किंग पेपर्स एंड द डेट ऑन विच द रिव्यू वॉज कैरिड आउट है ना तो जो भी मेंबर उसको ऑडिट कर रहा है उसका वर्क उसका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए तो देखो यहाँ पे बच्चों बहुत सारे कंटेंट्स है जैसे उसमें नेम होना चाहिए डेट होना चाहिए किस रिलेटेड वो पेपर है वो उसका सब्जेक्ट होना चाहिए रेफरेंस नंबर होना चाहिए ठीक है पेपर किसने बनाया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए वो पेपर ऑडिट किसने किया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए करेक्ट सो ऑल दिस कंटेंट्स शुड बी देयर ऑन ऑडिट वर्किंग पेपर्स दैन इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर्स देखेंगे हम देखो वर्किंग पेपर्स असिस्ट इंड प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट है ना बिकॉज ऑफ द वर्किंग पेपर्स ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटर प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सकता है वर्किंग पेपर्स आर नेसेसरी फॉर ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल परपजेस है ना ऑडिट का क्वालिटी भी अच्छा होगा बिकॉज ऑडिटर जो भी है वो विद द हेल्प ऑफ पेपर्स कर रहा है विद्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर रहा है ठीक है then next one is working papers assure that work delegated by the audit partner has been properly uh, completed देखो अगर working papers audit working papers अगर मिलते हैं ठीक है तो इससे ये पता चलता है कि जो भी audit का staff है या audit का जो भी partner है वो पूरा काम complete कर रहा है then next one is working papers provide evidence that an effective audit has been carried out है ना ऑडिट वर्किंग पेपर्स अगर ऑडिटर के पास है तो उससे ये पता चलता है कि ऑडिटर ने जो भी ऑडिट का काम किया है वो वेरी इफेक्टिवली किया है और उसका वो प्रूफ भी बन जाता है कि हाँ देखो हमने ये ये काम किया ये सारे पेपर्स हमारे पास है ठीक है इस पेपर्स के बेसिस पे हमने काम किया है या काम करके हमने ये सारे पेपर्स बनाए हैं सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस दैन नेक्स्ट वन इज़ वर्किंग पेपर इंक्रीज द इकोनॉमिक एफिशंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट है so, is, uh, the Then, is, audit. ना ऑडिट वर्किंग पेपर से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट बढ़ती है वर्किंग पेपर कंटेंट्स सफिशिएंटली डिटेल एंड टू डेट फैक्ट्स विच जस्टिफाई द रीजनेबल ऑफ द ऑडिटर्स कंक्लूजन है ना तो ऑडिट पेपर से क्या होता है uh, जो भी अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन है वो ऑडिट वर्किंग पेपर से मिलती है ठीक है और इससे ऑन बेसिस ऑन बेसिस ऑफ दिस द ऑडिटर्स कैन ड्रॉ द कंक्लूजन्स दैन वर्किंग पेपर्स रिटर्न और रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्यूचर ऑडिट्स है ना अगर देखो ऑडिट अगर ऑडिटर के पास ऑडिट वर्किंग पेपर्स है और अगर उसको फ्यूचर में भी ऑडिट कुछ करना है ठीक है क्लाइंट का तो ये जो पास ऑडिट वर्किंग पेपर्स है ये उसके काम में आ सकते हैं लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारे वर्किंग पेपर्स जो है ये उसके काम में आ सकते हैं Next one is the preparation of working papers is a means to give training to the audit clerks and as to how to summarize the work done by them. You know, audit working papers say, Jo audit ka naya staff ya unko training bhi diya jasakta hai. You know, it, uh, it helps to provide the training to the junior staff also. Then the working papers enable the auditor to point out to the client the weakness of the internal control system in the operation and inefficiency of the accounting accountancy system. You know, तो ऑडिट वर्किंग पेपर से ऑडिटर uh, को क्लाइंट्स के वीकनेस भी पता चलते हैं उन उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना वीक है या कितना एफिशिएंट है वो भी पता चलता है तो ही मैं गिव एडवाइस टू द क्लाइंट टू अवॉइड सच यू नो सच प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर दैन नेक्स्ट वन इज द वर्किंग पेपर्स एनेबल द ऑडिटर टू प्रीपेयर द रिपोर्ट टू भी इशूड विदाउट मच वेस्ट ऑफ टाइम देखो ऑडिटर के पास अगर सारे पेपर्स रेडी है वर्किंग पेपर्स रेडी है दे इफ दे आर हैविंग द एविडेंस करेक्ट तो ऑडिट रिपोर्ट बनाने में ऑडिटर को कोई दिक्कत नहीं आएगी ही विल इजिल प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट वन इज ही कैन नो दैट हीज असिस्टेंस हैज फॉलोड द फॉलोड हीज इंस्ट्रक्शंस है ना ऑडिट वर्किंग पेपर्स से उसे ये पता चलता है कि ऑडिट का जो ऑडिटर का जो असिस्टेंस है उसने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं बिकॉज़ वो पेपर के बेसिस पे ऑडिट स्टाफ भी काम करेंगे और जो ऑडिट स्टाफ काम कर रहे हैं वो उस पेपर्स पे मेंशन किया जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ ऑडिट वर्किंग पेपर्स तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स इज़ नथिंग बट ऐसे पेपर्स जो ऑडिट यूज़ करता है ऑडिट करने के लिए या ऑडिटर खुद बनाता है ऑडिट करने के लिए ठीक है तो दोनों भी पेपर्स जो ऑलरेडी पेपर्स अवेलेबल हैं ऑडिटर के क्लाइंट के पास वो पेपर्स को यूज़ करना या फिर ऑडिट करते वक्त अगर ऑडिटर कुछ नए पेपर्स मेंटेन करते हैं या कुछ नए पेपर्स बनाते हैं ठीक है तो सच टाइप ऑफ पेपर्स आर नोन एज ऑडिट वर्किंग पेपर्स थैंक यू वेरी मच